अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप डॉक्यूमेंट्री वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं तो आपने अक्सर इस तरह के सीक्वेंसेस ज़रूर देखे होंगे जिसमें न्यूज़पेपर की हेडलाइन को या टेक्स्ट को हाईलाइट किया जाता है। ये आप आफ्टर इफेक्ट्स में कैसे कर सकते हैं इस ट्यूटोरियल में हम सीखते हैं। यहाँ पर मैंने एक सैम्पल न्यूज़पेपर ले रखा है और इसकी हेडिंग को हम हाईलाइट करेंगे। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम न्यू कॉम्प ले लेंगे और यहाँ पे हमारा जो कॉम्प साइज़ होगा वो FHD यानी कि 1920x1080। यहाँ मैंने फ्रेम रेट 60 रखा है, रेजोल्यूशन फुल है और ड्यूरेशन मैंने 15 सेकंड्स रखी है। ये टोटली कस्टमाइजेबल है, आप अपने लिहाज से सेटिंग चेंज कर सकते हैं। ओके पे हिट करूँगा सो ये हमारी कॉम्प आ गई और यहाँ पर मैं अपने इस न्यूज़पेपर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा। तो ये है हमारा न्यूज़पेपर, ठीक है। राइट, सो सबसे पहले मैं यहाँ पे आऊँगा शेप्स में और एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दूंगा कुछ इस तरीके से। और उसकी सेटिंग्स कुछ ये होंगी कि इसका स्ट्रोक नहीं होगा और इसका कलर जो है वो मैंने येलो रखा है। अगेन फुली कस्टमाइजेबल है, आप जो कलर रखना चाहें। राइट, और इसके बाद मैं अपने इस जो मैंने शेप है उस जो बनाई है उसको मैं एनिमेट कर दूंगा। तो मैं कंटेंट्स में जाऊंगा, रेक्टेंगल वन, और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में जाऊंगा और पोजीशन पे स्टॉपवॉच क्लिक कर दूंगा ताकि की फ्रेम अप्लाई हो जाए। सो मैं एक सेकंड के लिए जो ना वो इसको इसको एनिमेट करूंगा, इसको इसकी पोजीशन को एनिमेट करूंगा। तो मैं पहले सेकंड पे आऊंगा और यहाँ भी मैं की फ्रेम दे दूंगा। ये हो गया हमारा फाइनल की फ्रेम और ये है हमारा इनिशियल की फ्रेम। और इनिशियल की फ्रेम पर मैं इसकी एक्स वैल्यू को चेंज कर दूंगा, यानी कि मैं इसे स्क्रीन से बाहर ले जाऊंगा, इतना बाहर कि ये जो हेडलाइन थी जो कवर हुई थी वो अनकवर हो जाए। राइट, ये हमारी एनिमेशन होगी। इसको अगर मैं प्ले करूं तो ये कुछ ऐसे होगी, ठीक है। ये हमारा पहला स्टेज हो गया। इसके बाद हम इसकी जो है वो अगेन हम इसका ग्राफ एडिटर में जाके इसकी एनिमेशन को ज़रा चेंज भी करेंगे। तो यहाँ पर ईजी ईस्ट पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ मैं इसके हैंडल्स को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करूँगा कि ये जो एनिमेशन है ये हमें कुछ ऐसे नज़र आए, ठीक है। यानी कि जिसका स्टार्ट पॉइंट है बहुत तेज़ और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये स्लो हो जाए, तो कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हमारी जो हमें ये हमारा हाइलाइटर है, मैं इसका नाम भी चेंज कर देता हूँ, वैसे हाइलाइटर कह देता हूँ, ठीक है। ये हमारा हाइलाइटर है। अब मैं इसे कर दूंगा प्री कंपोज। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट सी दबाऊंगा और अगेन इसको मैं हाइलाइटर कह दूंगा, ठीक है। और इसको मैं ये हो गया हमारा प्री कंपोज, ठीक है। नाउ मैं एक और रेक्टेंगल बना लूंगा, बल्कि मैं इसको यहाँ रख लूंगा। मैं मास्किंग करने के लिए अब मैं एक और रेक्टेंगल ड्रॉ कर दूंगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। और मैं इसका नाम दे दूंगा मास्क। राइट, और यहाँ ट्रैक मैट पे आके मैं नो मैट की जगह मास्क सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो अब हमारी एनिमेशन कुछ ऐसे नज़र आ रही है, ठीक है भाई। इनफैक्ट मैं इसको थोड़ा जूम कर दूँगा ताकि ये यहाँ से छुप जाए, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ हमारा जो हाइलाइटर है मैं इसको चेंज करके इसका जो ब्लेंडिंग मोड है इसे चेंज करके मैं कर दूंगा डार्कर। तो अब ये देखिए हमारी एनिमेशन हमें कुछ ऐसे नज़र आ रही है, ठीक है। ये वाला काम तो हमने कर लिया, यानी कि हमने जो हाइलाइटर है हमारे हाइलाइटर ने हेडिंग को हाईलाइट करना शुरू कर दिया। अब हम थोड़ी सी एनिमेशन ऐड करेंगे, ये तो बिल्कुल बेसिक हो गया ना। अब हम एनिमेशन ऐड करेंगे। एनिमेशन कैसे ऐड करेंगे कि हम कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट सी प्रेस करेंगे तो ये आ गया हमारा कैमरा। कैमरे की सेटिंग आप देख सकते हैं, अगेन कस्टमाइजेबल है फुली, आप अपने लिहाज से इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। ओके पे क्लिक करेंगे और ऑब्वियसली हमें अपनी लेयर्स को 3D करना पड़ेगा ताकि कैमरा जो है ना वो जो है वो अपना काम करना शुरू कर दे, ठीक है। कैमरे के पैरामीटर्स में जाएंगे और मैं तो भाई इन सब पे चेक लगा दूंगा, सबकी स्टॉप वॉच ऑन कर दूंगा क्योंकि मैंने बिल्कुल रैंडमली कैमरा को एनिमेट करना है। राइट, तो ये मेरी होगी फाइनल की फ्रेम और इनिशियल की फ्रेम मेरी अब हम ऐड करेंगे। तो अब मैं कीबोर्ड से सी प्रेस करूंगा ताकि मैं अपने कैमरा के ऑप्शंस को टॉगल कर सकूं। तो ये जनाब आगे पोजीशन,
ठीक है, अगर आपको नहीं मिले तो सी को प्रेस करते जाएं करते जाएं करते जाएं यहाँ तक कि आपको ये टॉगल आ जाए, ठीक है, पोजीशन वाला। तो मैं पोजीशन दूंगा कुछ इस तरीके से, मैं चाहता हूँ कि नीचे से कैमरा चले और ऊपर हेडिंग पे जाके रुक जाए, ठीक है। तो ये होगी हमारी ये इनिशियल की फ्रेम यहाँ पर आ गया और फाइनल की फ्रेम तो यहाँ पर है ही। अच्छा, मैं एक काम ये भी कर दूँ कि मैं इसको, ये जो हमारे एनिमेशन जो मैंने 0 सेकंड से शुरू की थी, वैसे ड्रैग करके यहाँ लगा दूंगा। अगर मैं ऐसा ना करूँ ना और कैमरा मूव करते हुए जब ऊपर जाए तो हाइलाइटर पहले से हाइलाइट हो चुका होगा, ठीक है। सॉरी, मैं मास्किंग को भी ज़रा एनिमेट करा दूँ, हाँ, और सॉरी 3D कर दूँ, ठीक है। अब ये देखें, जब कैमरा चला तो वो हाइलाइटर तो ऑन हो चुका था, तो मैं इसे यहाँ कर दूंगा या मैं इसे यहाँ कर दूंगा, ठीक है। अब यूँ हमें कुछ ऐसे नज़र आएगा, ठीक है। और राइट, दोबारा सी प्रेस करेंगे और कुछ रोटेशन करने के लिए तो हम इसको कुछ ऐसे कर देंगे, ठीक है, और ज़रा जूम इन भी कर दें, ठीक है। और यहाँ आते आते हम अगेन जूम इन करेंगे, और कैमरा को थोड़ा सा रोटेट भी कर देंगे कुछ इस तरीके से, राइट। सो अगर अब हम एनिमेशन देखना चाहें तो हमारी एनिमेशन कुछ हमें ऐसे नजर आएगी, राइट। अपनी एनिमेशन को बेहतर करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करेंगे, ग्राफ में जाएंगे और इजी ईज पे क्लिक करेंगे और अपनी एनिमेशन को, अपने की फ्रेम्स को भी हम कुछ इस तरीके से ईज करेंगे तो हमारी एनिमेशन हमें कुछ ऐसे नज़र आएगी। राइट, थोड़ा जल्दी आ रहा है तो हम इसको थोड़ा डिले कर देंगे, यहाँ ले आएंगे। अब देखते हैं हमारी एनिमेशन कैसे नज़र आती है हमें, ठीक है। स्लो करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। अगेन, अभी आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से कैमरा को मूव कराना चाहते हैं। मैंने, और एक बात जहन में रखिएगा, ये बिल्कुल मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको। अगर आपको न्यूज़पेपर एनिमेशन बनानी है तो ये बिल्कुल बेसिक है, आपको आइडिया होना चाहिए। बाकी काम आपका है कि आप किस तरीके से एनिमेट कराते हैं, किस तरीके से आप हाइलाइटर को एनिमेट कराते हैं। मैं बस आपको आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी हमारा काम हुआ, हमारा मोस्टली काम हो चुका है। सो अब हम अपने सीन में लाइट ऐड करेंगे। तो लाइट ऐड करने के लिए हम कीबोर्ड की जो शॉर्टकट की है उसे प्रेस करेंगे, कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट एल। ये आ गया हमारे पास लाइट की सेटिंग, और चाहे तो लाइट का नाम दे दें। मैंने पॉइंट रखा हुआ है, पैरेलल स्पॉट और एम्बियन है, ठीक है। बाकी सेटिंग सारी मैंने ऐसी रखी है जस्ट टू गिव यू एन आइडिया हाउ यू कैन ऐड लाइट टू योर सीन, राइट। तो जनाब ये लाइट भी आ गई। अगर लाइट की पैरामीटर्स को दोबारा आप चाहते हैं डबल क्लिक कर देंगे तो जनाब इसकी हम इंटेंसिटी बढ़ा कम कर सकते हैं। मैंने 115 कर दी, ठीक है। और अब हम देखें तो ये देखें हमारी एनिमेशन कुछ हमें ऐसे नज़र आएगी, और आप चाहें फर्दर, फॉर एग्जांपल भाई ये हाइलाइटर तो आ गया, ऑन भी हो गया, आप फर्दर एनिमेशन करना चाहें तो हम इसको थोड़ा सा जूम इन कर देंगे और यूं कर देंगे, जैसे कि मैंने कहा कि ये फुली कस्टमाइजेबल है, जैसे आप करना चाहें। तो हमने ये अपनी एनिमेशन बना ली है तकरीबन, ठीक है। जूम इन करना चाहें तो आप जूम इन भी कर सकते हैं। ऑलराइट, अपनी एनिमेशन को थोड़ा सा सिनेमेटिक लुक देने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इन तमाम लेयर्स को कर दूंगा प्री कम्पोज, और मैं न्यूज़पेपर एनिमेशन इसका नाम दे दूंगा, ठीक है। और इंपोर्ट कर लूँगा मैं एक अदद पार्टिकल की वीडियो। ये है जनाब पार्टिकल की वीडियो मैंने यहाँ प्लेस की, और ऑब्वियसली इसका हम कर देंगे इसको ओवरले, नहीं हम इसे कर देंगे स्क्रीन। तो अगर हम एनिमेशन देखना चाहें तो हमारी एनिमेशन हमें कुछ ऐसे नज़र आएगी, हमने पार्टिकल ऐड कर दिए, ठीक है। तो हमारी एनिमेशन, ये हमने एक ओवरले ऐड किया है, ठीक है, थोड़ा सा इसको सिनेमेटिक करने के लिए। चाहे ये बिल्कुल ऑप्शनल है, चाहे तो कर लें चाहे तो ना करें,
ये आपकी मर्जी और मंशा है। अलबत्ता हमारा काम हो चुका है पूरा और हमने इस ट्यूटोरियल में सीखा कि बिल्कुल बेसिक अगर आपको अपनी डॉक्यूमेंट्री वीडियो में न्यूज़पेपर एनिमेशन बनानी हो तो कैसे बनाएंगे। आई होप कि आपको ये छोटी सी काविश एसक्यू टीच की पसंद आई होगी। पसंद आए तो कमेंट कीजिए और अब आपके ऊपर है कि आप किस तरह से ट्राई करते हैं। ट्राई कीजिए और अपने स्किल्स को बेहतर कीजिए। थैंक यू सो मच।